टीपू भी बजा दिया इन्हें। किसी का छोरा हुई आके? अरे जब तेरी घंटी की आवाज सुन के माता आ सके है तो मारे तसले की आवाज सुनकर मारे बापुर नहीं आओगे के ब्रह्मा विष्णु महेश। दिखे मेरी एक बात सुन लो और ध्यान रखियो, एक शब्द कहने की जरूरत नहीं मेरी माता के बारे में। अरे छोड़ ना, तू उस माँ के पीछे तो सब पड़े रहे और अपनी माँ को कोई पानी का गिलास देगा राजी नहीं। कहना करा मैं अपनी माँ का? मेरी माँ की छोड़, मैं तो थारी माँ का भी बतेरा करा। टंगाली में थारी रोज की चिक चिकता है, तड़िक तेड़ा आंख भी थारी लाड़ दे खुल है मेरी। जो तेरी आंख ही खुल जा कर है तो दुकान क्यों नहीं खुला करता जाके? मैं खोल लूं दुकान? मैं कोई डॉक्टर हूं या डिग्री है मेरे पे? सही कह रहा हूं, यू क्यों खोलेगा दुकान? इस पे कौन सा डिग्री है? क्यों? अरे जो डिग्री मेरे पे है वही इस पे है। तुम कौन सा MBBS हो गए? अरे तू बावली हो रही है, MBBS भला हमारे आगे की बेचेगा? और हमारी दुकान जो है ना खानदानी दुकान है। हमें पता था रही दुकान भी और डॉक्टरी भी। यू तो हमारी आंखों लग रही, किसी दिन तुम्हें कोई भीतर मुंद के बार मारेगा थारा सामान फेंक के और हमें काट के लाने पड़ोगे तुम बंदे, समझ गए? चुप कर, यानी जबान न लड़ा हुआ और तू भी उठ ले रही, जाकर अपनी दुकान खोल। अपनी अपने आप खोल लो, मेरे तो वैसे ही बतेरे काम है। अरे इसके कौन से मील चल रहे भाई? जय माता की, 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 जय माता की। वो कुछ करकराज जी नहीं और एक या है अक थमकराज जी नहीं। हाथ तो रुकता ही ना कदेवा मोटू, कुछ ठाके खा जा, कदे खेच के ले ले। दुकान पे इतना सौदा तो वो बेचता भी ना होगा जितना खा जा। मुझे तो ऐसे लग रहा जैसे मैंने दुकान के नाम पे जम पा रखा जम नाश का बर्तन। कमाई खत्म, तुम्हारे भाई के पाछे पड़े रहो, वह दो मुट्ठी पर नाच के खा ले वे, या तो खटक जा थारी आंखों को। यूं ना देखते वो काम कितना कर रहे, बेचारा लगा रहे वे दुकान पे सारा दिन। बेचारा बेचारा, ऐसे बेचारे और दो चार जन्म जा तो धरती पे नाच का नाम नहीं पावे हाथ खींच के। वो अगर तेरा भाई ना होता तो मैं इसे धक्के मार मार के घर से बाहर निकाल देता हाथ खींच के। तू काट दो ना, रोका किसने, गैल ही मुझे भी काट दो। पर पहले जो मैं दहेज में सब के निया, छे छे जोड़े बिस्तरे दादा सायस पितास मोलस के निया, कुंडल पाजेब और सास के निया सेट, थारे निया वो क्या कहवे हैं, वो साइकिल लाई और सगली बरात के निया 100-100 रुपए की मिलाई करी। पहले बाल उठा दो फिर जाऊंगी घर। हाँ तूने इन औरतों को बुद्धि क्यों ना दी हाथ खींच के। भाई लड़की भी के चीज बनाई है भगवान ने, मेरे विचार से तो लड़की वो मासूमत का पुतला है जिसकी हरकत जिसकी अदाएं तीर की ढाल कलेजे के पार हो जावे। अरे भाई यूं कह देना के चलता फिरता बिजली घर जिसका कोई भी हिस्सा छो तो 440 वोल्ट के मीठे मीठे झटके लगे। मेरे जी में तो नुआ है आक, इन लड़कियों को कोली में ऐसा जकड़ लूं, ऐसा जकड़ लूं जैसे कूड़ी पे पपैया। क्या किया कबूतर फाले आधे काले आधे नीले। अरे आज लो हमें कोई लौंडिया मिली, अरे लौंडियों के बारे में
बात तो ऐसे करी है जैसे कि बहुत बड़े वैज्ञानिक हो। अरे लौंडिया तो वो जात है कि जब तक ना मिले तो नाश ही नाश है और मिल जाए तो सत्यानाश है। बल्कि मैं तो नू कहूँ कि सौ सत्यानाश है। अरे तुझे ना पता कुछ भी। मुझे ना पता बताइए बेर का मुकिंग ना हुए। इसे तो ये बावली बात करवा लो बस। अच्छा प्रताप तू बता लड़की के बारे में अपने ख्याल। लड़की मेरे हिसाब तो सफलता का दूसरा नाम है। लड़की सफलता का दूसरा नाम है? हाँ सफलता पाना कोई बड़ी बात नहीं है और सफलता को झेलना बहुत मुश्किल। उसी तरह लड़की पटाना बहुत आसान काम है पर उसके नखरों को झेलना बहुत कैड़ा काम है। ओहो लड़की के बारे में तो तेरे बड़े दुरुस्त ख्यालात हैं। ऐसा बहुत देर हो गई यहाँ बैठे बैठे। चलो मोटो एक अंडा दे दे। मुर्गी दिखाई दे रहा है मैं तुझे? क्या उल्टा सीधा बोल रहा है? मुझे लगा है तेरे शरीर के साथ साथ तेरी बुद्धि मोटी होली। मोटा कह रहा है मुझे? जा चल जाते। अच्छा अच्छा तू पतला बस। मुझे पतला कह रहा? अरे क्यों खाया पिया ला जा रहा मेरा? जा मेरे धरे ना अंडा। ये धरे ना अंडे? अरे जब तेरे से कह दी ना है तो ना है, मैं खाऊंगा ही नहीं। इतने सारे? हाँ हाँ इतने सारे, तू धार काट दे। अच्छा अच्छा ठीक है मैं तो दूसरी दुकान से ले लूंगा। मारा मेरा वो नाज का दुश्मन, तेरे से ही कह रहा हूँ। नाज का दुश्मन किसे कह रहा बे? तुझे ही कह रहा हूँ। अंडा क्यों मारा मेरा? मैं काहे को मारता? हाँ मेरे छतपता मुर्गी फार्म खुल रहा, एक आध मुर्गी मुंडे पे आ गया होगी, उसका ही गिर गया होगा। जब तुझे पता था पूछ काहे करे? ओ लाला समझा ले से। आज के बाद ऐसा ना होने का है भाई, तू तू ठंडा रह। बस देख ले लाला इसके रोज रोज के किस्से हो रहे, कभी मुझ पर अंडा मारा कभी फुल्ला पे मुंह फड़ी। ठंडा रह भाई, हाथ खींच के नाश ठा रखा तने नाश, और नाश भी ना सत्यानाश ठा रखा। तेरे दिन भर दो ही काम रहे, या तो जुगाली करता फिरे या फिर पूरे मोहल्ले में रोला उठावे। तू रोला रोला तो तुम भी कम ना उतारो। हाँ जब देखो तब पीपनी से बजाए रखो मारे भाई पे। हाँ काम ही ऐसे करे या छिड़वाएगा किसी दिन यही महाभारत। महाभारत महाभारत छिड़वाएगा यो? द्रौपदी है यो? लगे तो मैं इसके काम कदी काम से। यो बता क्या बता दूं? या बता कि मैं इसकी गर्ल डिंपल को छोड़ के गया था। कहाँ है डिंपल? चुंदड़ मेरी नाच रही, नथनी मेरी डोल रही, कानों की पाली सरक रही, चुंदड़ तेरी नाच रही, नथनी तेरी डोल रही, कानों की बाली। झुमा झुमा भरी अम्बा की डाली, झुमा झुमा भरी अम्बा की डाली। सरक रही चुंदड़ मेरी नाच रही, नथनी मेरी डोल रही, कानों की पाली। क्यों
कमरिया, इतर पितर को पड़े लचके कमरिया। तीस किसकी है दिल ने ये पाली, हाँ तीस किसकी है दिल ने ये पाली। सरक रही चुनर मेरी, नाच रही नथनी मेरी, डोल रही कानों की बाली। फड़क आँख फड़के कौन इन्हें दिख रहा, मेरे दिल में जगह किसकी खाली, हाँ मेरे दिल में जगह किसकी खाली। सरक रही चुनर मेरी, नाच रही नथनी मेरी, डोल रही कानों की बाली। सरक रही चुनर तेरी, नाच रही नथनी तेरी, डोल रही कानों की बाली। झुमा झुमा भरी अम्बा की डाली, हाँ झुमा झुमा भरी अम्बा की डाली। सरक रही चुनर मेरी, नाच रही नथनी मेरी, डोल रही कानों की बाली। सरक रही चुनर तेरी, नाच रही नथनी तेरी, डोल रही कानों की बाली। झुमा झुमा भरी अम्बा की डाली, झुमा झुमा भरी अम्बा की चुनर मेरी, नाच रही नथनी मेरी, डोल रही कानों की बाली। सरक रही चुनर तेरी, नाच रही नथनी तेरी, डोल रही कानों की बाली। आंखों से अंधा है क्या जो तुझे इतनी बड़ी सड़क दिखाई नहीं दे रही? आजकल के छोरों को तो पता ही न रहता ध्यान कर है। अजी ध्यान कहीं और जा सके। ध्यान तो खूब रह ले, जब नियत ठीक हो मुंह उठाओ फटफटी पे चले आ रहे। कर दिए सारे दुपट्टे का नाश। सही कह रही हो जी, यू तो नाश हो गया, यू तो बड़ा बढ़िया दुपट्टा था। अरे यू तो मोटरसाइकिल में लग के काला हो गया, लाओ उसे मैं धोवा देता हूँ। एक तो तन्ने गलती करी, ऊपर से मस्करी करा, शर्म तो तेरे अंदर है नहीं। शर्म आई मैडम जी, जब धोने को कह रहा हूँ। मैं खुद धो लूंगी, तू जा यहाँ से। ना जी धो देगा यू, धुलाई तो घनी बढ़िया करे। या तुम्हारी गलती है और हमें माननी भी चाहिए। दुपट्टे को नहीं मान रही, दिखो तुम थारे सीने ते लगा हुआ दुपट्टा आयू, इसकी कोई कीमत ना है। हाय राम, कितना बदतमीज लड़का है ये। मैडम जी मैं इसे अपने खून पसीने से धो दूंगा। चल बेशरम। हाँ भाई वैसे तो तुम रखना छाण रहे, पर जैसे ही छोरी की बात आवे है तू गौ हो जाए गौ। बेटे लड़की वो महकता फूल है जिसे बस महसूस करा जावे है। कम खाकर कम नहीं तो फट जाएगा। जब आया था तो पापड़ था पापड़, और अब देख कैसे फुटबॉल हो रहा हाथ खींच के। अगर मैंने तुझे यहाँ से काट दिया ना तो कोई तुझे बीड़ी के टोटो पे बिना धरने का हाथ खींच के। तो काट दो ना, रोका किसने, गैली मुझे भी काट दो। पर पहले जो मैं दहेज में सबके निया छे छे जोड़े बिस्तरे दादा सतायस पिता मोलस के निया
कुंडल पाजेब लाई, सास के लिए गले का सेट लाई, और थारे निया वो क्या कहवे, वो साइकिल लाई चलाने के लिए, और पूरी बारात को 100-100 रुपए की मिलाई कराई। पहले वो लौटा दो, फिर जाऊंगी। हाँ बात कर रहे। राम राम। और राम राम किशन, राम राम। और तुझे आज लाला की कैसे याद आ गई, और कहाँ रहे तू? कहाँ के सेठ जी, गया तो था कहीं काम से, बस एक 5,000 रुपए की जरूरत थी। पैसों की जरूरत है? और मैं न्यू मान रहा कि तू पिछले पैसे लौटाने को आया है। चिंता ना करो सेठ जी, लौटा दूंगा। लौटा दूंगा क्या, खाक लौटा देगा? अभी तक पिछले मूल की तो बहुत दूर की बात, अभी तक तूने ब्याज तक तो दिया ना हाथ खींच के। सेठ जी जब कह दिया लौटा दूंगा तो लौटा दूंगा। और तेरा ठौर नहीं, ठिकाना नहीं, और महीनों को तू गायब हो जा। पिछले पैसे तूने दिए ना, और नए पैसे और कैसे दे दूं हाथ खींच के। लाला जी थारी छोरी तो जवान होगी। हम बे हो तो ली, इसके ब्याह का ना सोचा? अरे किशन कई छोरे देख लिए, पर गांठ ही बन के ना देरी। हम तो छोरों को ढूंढ ढूंढ के परेशान हो लिए हाथ खींच के। ये तो वही बात होगी, बगल में छोरा नगर ढिंडोरा। वो कैसे? मारे गांव तो अगले गांव में मेरा जीजा रहे कैलाश चौधरी, दंतों का दवाखाना उनका, और चले भी खूब है, मरीजों को बहुत अच्छी तरह देखे हैं। जमीन जायदाद भी लाला जी बहुत है, उनका लड़का है और वो भी अकेला। मैं सोच रहा यार लड़की अगर उस घर में चली जाए तो बढ़िया बात है। जब तुम सब कुछ ठीक बता रहे तो देख चला के बात हाथ खींच के। बात तो पक्की समझो लाला जी, बस मेरे जाने की देर है। लाला वो थोड़ा, अरे किशन कदे तुझे पैसों की मना करी है? अरे भगवान जरा 5,000 रुपए तो लइए। अब बात सुन किशन, जाके बता दिए छोरी गणी सुथरी है हाथ खींच के। जब तू कह रहा है कि छोरी सुथरी है तो सुथरी ही होगी। खानदान के बारे में तो बता ही चुका हूँ, संस्कार भी छोरी के इतने अच्छे हैं, पूछो मत ना। पड़ोसियों से पूछोगे ना तो पड़ोसी भी नाट जाएंगे। क्यों मरखनी है? पड़ोसियों को पता ही नहीं, घर तक बारी ना निकलती। सिलाई बुनाई कढ़ाई खाना बनाना अड़गम सड़गम के वो फलाना ढिकाना। अरे बस बस मामा तने तोड़ी कर दिया भाई। कुछ फोटो वोटो भी लिया? अरे जी जा सिरे फोटो तो मंगा दूंगा, पहले थारी राय तो लेनी थी। तू राय की भी सुन ले, जितने लड़की वाले आवे मारे इस सपूत के काम काज के बारे में सुनते ही उल्टे भग जा। क्योंकि बनना तो सबको चाहिए पर काम करके को राजी नहीं। भाई इसकी आवारागर्दी और निकम्मेपन को देख के इसे कौन अपनी छोरी देगा? पर नु है अक ब्याह हो जा तो हो ही जा, और फिर तने तारीफ इतनी कर दी, अक मैं तैयार। मैं भी तैयार हूँ। चला तू बात अग। मैं कल ही बात करा दूँ, पर वो 5,000 रुपए की जरूरत थी। देखे पैसे का तो तू नाम ही मत ले, हर छठे महीने तो तेरी जमानत कराऊं, और इतना बंद रहे इतने तेरे घर का खर्चा चलाऊं, पीछे तो तेरे उस लाल बिशन को भी देखूं मैं। दिखे तेरे को देने को मेरे पास ना है फुट्टी कौड़ी भी। कैसी बात कर रहे हो पिताजी, मामा आए हमारे, हम ना करेंगे तो और कौन करेगा? हाँ ठीक है फिर तू दे देना। ठीक है हम दे देंगे माँ, जब मेरे पैसों में तो 5,000 रुपए दे दे मामा को। तेरे पैसे? अरे तेरी कौन सी तिजोरी दे रही भाई तेरे भाई? देखो पिताजी जो जमीन थी वह किसकी थी? तेरे दादा की। फिर किसकी हुई? मेरी। और थारे जाए पीछे किसकी होगी? तेरी हुई ना मेरी। हाँ माँ लाई ना गए लो। अरे पर की के बात है पिताजी, जो जमीन दादा की थी आज थारी है, जो थारी है कल मेरी रहेगी, और जो मेरी है वो तो मेरी है ही, पर कल की के बात है, कल किसने देखा है? पर कल आओ तो है ही, जो काम मैं कल नहीं कर सकता उसे आज भी नहीं कर सकता, और जो काम मैं आज ही ना करूँ उसे कल कैसे कर दूँ? इस मारे कल का काम मुझे आज ही कर लेने दो। ठीक है? हाँ ठीक है भाई।
लाला चावल तोड़ रहा है सोना कतई हद कर दी जरा बहुत लुभाव तो सभी दे देख रहे हैं मुख के हलवे लग रहे ना मुंह को तड़के से सांझ लो इतनी मेहनत करूं यूं लुटाने को करूं ले ले जा नहीं तो दूंगा खाक लाला तो लाला ही रहेगा और क्या तू ले ले मान रहा अजय सुनते हो अपने सामी कदे कुछ कह दिया तूने हाथ खींच के वो डिंपल की जाड़ में दर्द हो रहा तो फिटकरी का कुल्ला करा दे हो जाएगा ठीक हाथ खींच के वो तो मैंने कर लिया था उससे कुछ आराम ही नहीं हुआ मुझे लगा डॉक्टर को दिखा के आना पड़ेगा दिखा ला तो तुम दिखा लो मुझे काम निपटाना बथेरे काम पड़े घर के या चाकी का पार्ट छोड़ रखा मेरी छाती पे मूंग दलने को या जान देगा मुझे कहीं को हाथ खींच के देखो तुम फिर शुरू हो गए मैं फिर कहूंगी हाँ अच्छा अच्छा ना कह रहा इसे कुछ जा तू ही दिखा ला इसे हाथ खींच के लाओ तो पैसे दे दो ले पैसे ले जा ये ले 10 रुपए 10 रुपए इनसे क्या हो रहा पूरे 100 रुपए दो 100 रुपए हाँ 100 रुपए हाँ अच्छा और एक निगाह घर को भी राखी हो एक यह है मैं एक एक रुपया करके कमाऊं और यह 100-100 रुपए करके उड़ावे और एक यह है मैं तोला तोला करके जोड़ूं और ये धरी धरी करके उड़ावे इन दोनों भाई बहनों ने तो मुझे खा लिया हाथ खींच के खा लिया कदम खा लिया अभी दिया ना तन्ने कहते तो दिया हूँ पिताजी खाना हाँ नौकर यू प्रसाद है ना पहले यू प्रसाद खुआइए फिर रोटी खुआइए दुर्गा मैया का प्रसाद है ना हाँ। इस प्रसाद को खाने से बीमारी ना आती दुकान भी बढ़िया चले कोई परेशान नहीं हो तो वो भी ठीक हो जा और तो और ज्यादा परेशान नहीं हो दुर्गा मैया खुद भी आ जा त्रिशूल लेकर झेंदे पा दर्द है ला 10 रुपए दे दे यही बात है ना 10 रुपए तो मैं दूंगी तुझे तू एक बात मेरी सुन ले चाहे रोटी खानी भूल जा पर प्रसाद खुआना बिल्कुल ना भूलिए माता का प्रसाद है सुन ले ले 10 रुपए बेटे प्रसाद खुआ दूंगा माता का जय माता की जय माता की जय माता की जय माता की अरे हिलाना रे दूसरी बच्चे की रुक जाओ भाई अब की बार तो मुझे पूरा भरोसा है बिल्कुल सही जाड़ पकड़ में आई जीवाई रहेगी सही जाड़ कैसे पाड़ दोगे तुम प्रसाद जो ना खाया भी अरे रहन दे तुझे पता तो है अब चने से कितनी एलर्जी है मुझे सारी आन चने खवाओगा तो घोड़ा बन जाऊंगा मैं दादी खाओ तो सही 10 रुपए का सवाल है 10 रुपए का तू पागल हो रहा है क्या अरे तुझे पता तो है चने की दाल से मुझे कितनी एलर्जी है तू भी घोड़ा बनवाओगा मुझे लात मारा करूंगा जाड़ ना पाड़न दो बेटे आलिया मैं अब की बार तेरी असली वाली जाड़ पाड़ूंगा जिसमें दर्द है ठीक है अरे मरीज कहाँ गया मरीज तो गया या तो उसकी याद याद रहेगी इसे संभाल कर राखियो और खवा प्रसाद चले बैठ यहाँ थोड़ी देर मैं हड़का होका हूँ भैया जाके यहाँ कोई आ रहा है मैं एक काम निपटाया हूँ ये तो वही है हमारी दुकान पे आ रही दिख है प्रताप लगा फॉर्मूला नंबर 35 पिताजी जाओ हड़का हो जाते अरे पहले तू ही नहीं बताता मेरा काम तो 2 मिनट पीछे हो जाएगा कदिया नासी हो जा अरे नहीं ऐसी तो कोई आफत ना आ रही थी भाई पर ले पहले मैं ही चला जाऊं कदी तू वहां जाके बैठ जा और देर लगा दे हैं अरे पानी पुनी भी है यहां कदे सनाई बैठा रहूं हाँ जी मैं तू यहाँ क्या कर रहा जी यू मेरा अस्पताल है तू तो उस दिन डॉक्टर और मरीज का जन्म जन्मांतर का रिश्ता जी आप जी जी मैं इस जी मैं इस सुंदर सुंदर क्लिनिक का बेहद सुंदर डॉक्टर डॉक्टर प्रताप आप बैठिए जाड़ दांत दर्द अथवा जाड़ लिकटवानी हो तो एक बार सेवा का मौका दे मेरे हाथों में ऐसा जादू है उंगलियों में दांत फंसा नजर आता है पर बेटा तुम तो बड़ी नई उम्र के लागो हो लगते क्या है नई उम्र के हैं डिग्री नहीं है नहीं मतलब नई मशीन है नई तकनीक है कौन सी डिग्री है आपके पास डिग्री MBBS है CISF है BSF है
SGO है, MO है, CMO है और STD, ISD, PCO, लंदन, कुवैत, टिकैत। लाला तू इसके जाड़ देख दे, बड़ा ही दर्द है। अजी इनके जाड़ देखने के लिए ही तो मैं यहाँ हूँ। मतलब मैं यहाँ कोई पान में किमाम लगाने के लिए बैठा हूँ? मैं यहाँ मरीज देखने के लिए बैठा हूँ। चलिए पर्दे के पीछे मैं आपको चेक करता हूँ। वहाँ क्यों, यहीं कर दे। ओहो माता जी, दांत भगवान ने मुंह के अंदर ही क्यों दिए, बाहर क्यों नहीं दिए? आइए मैं आपको चेक कर देता हूँ। पर्दे की चीज पर्दे में ही चेक की जाती है। अभी मैं इनको चेक करके आता हूँ। आइए। इतनी जल्दी ना, शर्म आ गया। अरे मेरे जाड़ देख दे। हाँ हाँ जाड़ भी देखेंगे, पर आपका माथा कितना सोना है और आंखें कितनी प्यारी हैं। नाक पे गुस्सा मत रखा करो, इतनी सोनी नाक खराब हो जाएगी। ये क्या होया बेटी? अरे इसके जाड़ में दर्द है। जाड़ दिखाने आई थी? अच्छा फिर देख दी बेटे। बस बस भाई रहेगी। वही रहेगी, चलो कोई बात नहीं, उसे मैं देख देता हूँ। अरे मरीज मैं ना, मरीज यो है। हाँ? क्या हुआ मामा, कैसे रो रहे हो? अरे यार ये फूलो की बच्ची मुझे रोज रोज परेशान करे, रोज अपने पति से मेरी लड़ाई करवावे और जीजा जी भी कभी मेरी होड़ ना लेते। तो तुम किसी की होड़ क्यों लो, जवान मरद हो, कंधे पे बंदूक रखो और चलाओ। तो ना डरू जीजा से भी? बिल्कुल भी नहीं, तुम तो हट्टे खट्टे हो, छच्छे को अकेले संभाल सको। अरे आज तो पिताजी भी नहीं है घर पे, आज तो पट्टू भी बाजार गया, इस तरह बढ़िया मौका फिर ना मिलने का बदला लेने का। योद्धा उठ और लड़, आक्रमण। ये नाच की टंकी आज फिर पिटेगी। तू? हाँ। हंस क्यों रहा? और क्या करने आया तू यहाँ पे? मैं तेरा अपहरण करने आया हूँ। अपहरण? हाँ अपहरण। मैं रावण हूँ, तू सीता। सतयुग में तो राम ने सीता को बचा लिया था, लेकिन अब कलयुग है, कलयुग में रावण ही जीतता है। मैं तुझे हर के ले जाऊंगा। तू बहुत रामायण में जी रहा, चल तुझे महाभारत दिखा दूं। अरे मर गया। तुझे अपनी जिंदगी से प्यार है ना, तो आज के बाद घुस मत जाइए इस घर ना। मैं तुझ जैसे कैसे गुबाड़े में पलीता लगा के आसमान में उड़ा दूंगी। अरे समझ गया, और आवाज आएगी भड़ाम। देखो जी थारा छोरा और घर बार दोनों ही मुझे बहुत पसंद आए हाथ खींच के। अब इतना और बता दो कि थारी कोई मांग वांग करा हाथ खींच के। कैसी बात कर रहे हो लाला जी, भगवान का दिया हमारे द्वारा सब कुछ है। आप अपनी छोरी को एक जोड़े में भेज दियो, वही बहुत है। हाँ और छोरी तो अपने नाम का भगवान के तई लिखवा के लिया है। के बात है, ठंडा तो बड़ा दाब दाब के भरा है, है? सालो थारा ब्याह तो हुआ ना, मेरा भी मत होने दो। बरात में जाना ना तो सेवा पानी कर लें दो मुझे। सेवा पानी कर लें माता तो मुझे। के भजन तो गा लेती होगी। भजन की बात कर रही हो, बस यूं मान लो कि सरस्वती का कंठ है, कंठ हाथ खींच के। रिश्ता हाथ से नहीं जाना चाहिए, समोसे कितने खत्म हो जाऊं। चल पर हट। लो जी बिल्कुल बिल्कुल तैयार है जी। हाँ जी हाथ खींच के। अरे मुझे तो जुगाड़ सा भिड़ता नजर आ रहा है। छोरी देखी है तेरी? इबलो तो ना देखी है। छोरी देखी नहीं, पिल्ला होए जा रहा राज जी। याद है पहले जरूर देख लिए। और कहीं ये ना हो कि रमन की बहू के ढाल। अरे यह बात और सुन ले, ब्याह के बाद कहीं तलाक देने लगे छोरी को तो यो होगा 498A 3/4 डाउरी एक्ट और 125 CRPC के साथ साथ 406 भी लग जाएगी और तू नू हो जाएगा। हाँ ए भाई वाकई ऐसी हुई तो
तो उसके हलक में ऐसा हाथ दूंगा समोसे कोल्ड ड्रिंक अपने आप ही बाहर आ जाएंगी। तो ठीक है जी, मैं भी प्रताप का फोटो एक बार घर वालों को दिखा दूंगा हाथ खींच के। तुम एक बार घर आ जाओ, वही पंडित को बुलवा के तारीख सुझवा लेंगे और तुम भी ठीक से देख लियो छोरी का फोटो। ठीक है। फोटो तो या उसी छोरे का है, प्रताप नाम है इसका, हाथ खींच के। अजी नाम बाम में के रखा, छोरा तो ठीक सा ही है। तुझे तो सारे बालक अपने भाई जैसे दिखे हाथ खींच के। देखो जी, मेरे भाई को कुछ ना कह दियो, हाँ लाखों में एक है वो। जब लाखों का इकल्ला खावेगा हाँ। तो होगा ही हाथ खींच के। और बात सुन, तू उसकी छोड़, छोरे के बारे में सोच, छोरे के बारे में। देखो जी, मेरी जो राय थी मन ने बता दी, हाँ आगे थारी मर्जी। हे भगवान, तूने औरतों को बुद्धि क्यों ना दी। अरे इकलौता छोरा, इकलौता। अरे क्यों तू मेरे पीछे लग रहा। वो मैं पूछ रहा था कैसी है छोरी। बहुत सोनी देवी जैसी। तुझे तो सब देवी और पार्वती जैसी दिखे हैं। जीव तजा कह दी बहुत सुतरी बहुत सोनी है तो कह दी। तो एक बार फोटो दिखा देना। मेरे दोरे ना फोटो, तेरे पिताजी ले गए। भीतर धरा सब पता मुझे। मेरे दोरे ना है। दिखा दे ना तो। ना तो नहीं दिखाती। मेरे दोरे है ही ना जीव। तो खुआ लिए प्रसाद, अरे खुआ लिए पिताजी को भी। आ सुन सुन सुन, आज ही दिखाऊंगी, आ जा। फोटो में देखो तो मूर्त हो, सामने आती हो तो खूबसूरत हो, वाकई में तुम मेरी जरूरत हो। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था तेरे जैसे ग्याल व्यापक का होगा मेरा। पर मैं तो हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। वैसे खराबी तो मुझ में भी कुछ नहीं है। एक नंबर के ड्रामेबाज हो तुम। रास्ते पर मिले तो ड्रामा, क्लिनिक पर मिले तो ड्रामा, कोई काम नहीं है तुम्हें। काम काम वाम में कहाँ ध्यान रह रहा उस आदमी का जिसके सामने तुम हो। बस झूठी बात करा लो तुमसे। तो मैं क्या करूँ, अगर मेरी सच्ची बात को भी कोई झूठ मानना है तो। सच बोला है आज लो। वैसे तो झूठी का तो बोल रहा था, उस दिन जब तुम क्लिनिक में आई तुम्हारे बारे में कही एक एक बात सच थी। पहले तो मैं दीवाना था पर। ड्रामा ड्रामा ड्रामा, पागल हो तुम पागल। था तो नहीं पर बना दिया तुमने। मैं छोरे होगी पागल रे तेरे प्यार में।
ऐसा तो दो बार दूंगा, प्यार तमन आ जावे कि इतना मैं प्यार दूंगा। तमन तो छोटी चीज है, सांसों को बार दूंगा, प्यार तमन आ जावे कि इतना मैं प्यार दूंगा। मैका वैका होय होय, मैका वैका होय होय, मैका वैका भी बोला तू तेरा यार रे, तेरे प्यार में तेरे प्यार में खोके मैं चोरी हो गए पागल रे, तेरे प्यार में तेरे प्यार में खोके मैं चोरी हो गए पागल रे, तेरे प्यार अरे जयबर भी मिलाया ना, उस बुढ़िया ने उठाया। अरे एक बार भी ना बोलूं तो मेरे ससुरी न्यारे न्यारे से लोग सुनावे। अरे तू एक काम कर, कोई बहाना बना और सीधा कर पहुंच जा। अरे बहाना भी के बनाऊं? काम कर रहे सारे के सारे उसके घर चल रहे, उसके घर के बाहर दुकान तो है ही, तू थोड़ा सा दूर खड़ा हो जाइए, हम सब सामान खरीदेंगे, जैसे किसी की नजर तेरे पे पड़ेगी वो तुझको बुला लेगा, सब कुछ सामने आ जाएगा और लाठी भी बची रह जाएगी। क्यों मन्ने के गलत कह दिया? एक घंटे तो बैठे हैं, खोपड़ी खराब करा लग रहे हैं, पहले ना बता सके था? ले आए ला रहे, बाकी के दे। थारा खूब दाव लग रहा है। अरे आ गई। अरे देख रही है के? अब देख रही है के? ओ कसाई देख रही है के? अब देख रही होगी, अब
देख रही है या दीवार ली कटवाओगे भाई? हेलो भाई, अभी आ जा। तू ही देख ले बुढ़िया। क्यों बना रहा? बहु नहीं मिले तुझे? भेज तो रहा दिखे। अरे नहीं नहीं, मैं घर नहीं जा रहा, वो तो मैं यहां था लिकट रहा था। वो तो मेरी बाइक खराब हो गई थी, मुझे ना पता थारी दुकान है यू। अरे आ जाओ, तो तेल के पैसे भी निमट लिए। अब ना यहां धेला भी, चल भाई कुछ जुगाड़ करूंगा। चलो भाई देर हो जाएगी। अरे बाईपास पे भी भीड़ मिलेगी, और जाते जाते सांझ भी हो जाएगी, और तो और क्लिनिक पे भी भीड़ मिलेगी, और मेरे पिताजी कैलाश चंद जी अकेले पड़ जाएंगे। लाला जी, अजी आप? अरे बेटा, तू यहाँ कैसे हाथ खींच के? आपकी दुकान है या? अरे छोड़ इन बातों को, तू चल घर चल हाथ खींच के। वो अभी टाइम ना है। टाइम ना? तू जा, निकल जा हाथ खींच के। अरे अभी तो बहुत टाइम है। हाँ टाइम तो है। टाइम है तो चल घर। ले बेटा एक बिस्कुट खा ले हाथ खींच के। मैं जरा दूध पे निगाह मार के आऊं, तुम इन्हें इतने नमकीन दो। ले बेटा थोड़ा सा नमकीन खा ले हाथ खींच के। अरे बेटा खा क्यों नहीं लेता, क्यों ना छुट पा रहा? बहुत अच्छी भी है और बहुत सुंदर भी। मतलब हम जा रहे हैं? जा रहे हैं? रुको बेटा रुको, हम तो ना कह सकते, पर ठीक है तुम टाइम से काम निपटा के घर पहुंच जाइयो, और घर जाकर सबसे मारी राम राम कहिए हाथ खींच के। रुको बेटा रुको, अजी मिलाई तो दे दो जी। चार है ठीक है, अभी देता हूँ इनको हाथ खींच के। ले बेटा मैं दे दूंगा। अजी 10 के ना 100 के दो, पहली बार आए हैं। 10 के नहीं 100 के। अच्छा देता हूँ 100 के। बेटा रास्ते में खाते पीते जाना हाथ खींच के। अजी क्या कर रहे हो, एक को नहीं सबको दो। सबको? हाँ। अच्छा बेटा संभाल कर लेके जाना हाथ खींच के। तू भी ले ले हाथ खींच के। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। हाँ, नमस्ते बेटा।
हाथ खींच के। अपना काम बरात में जाना दिखे रुको क्यों होया लो प्रसाद खाओ इसके खाने ते। अरे हटे ने मजा खूब दे रहा है इसके खाने ते क्यों है इसके खाने ते अच्छे पिछे आदमी का अफारा आ जा समझी। अरे घने दिन खा ले तो घोड़े की त्रिया लात मारने लगे। चले लाई प्रसाद। नमस्ते पप्पा जी। हाँ नमस्ते भाई। आ जा प्रसाद। प्रसाद जी तरह भाई और के हाल है बेसन किशन ठीक है कहाँ सब ठीक ठाक हैं जेल में हैं जी। फिर गया जेल में। अरे अब क्या कर दिया उनने रामबीर की गाल झगड़ा हो गया था उसकी घड़ी पिटाई कर दी उसकी घरवाली पुलिस को बुला लाई। अब तुम उनकी जमानत करवा दो। हाँ जमानत करवा दो छठे महीने जमानत करवा दो। दिमाग खराब हो रहा है जमानत जमानत जमानत। अरे हमारे तक घर जमीन जायदाद सब पे लीले ठप्पे लाग लिए जमानत के। कब तक जमानत करवाऊं मारे बस की ना है। जा तू अपना कहीं और जुगाड़ कर। रोटी खाता हो खा जा। करा दो जमानत। क्यों नहीं कर सकता यहाँ भी कोई बात हुई तूने तो बजा देगा ऐसे भी कभी होता होगा। और ये तीन तीन जो उजबिला बैठे हैं इन पे तक करा लिए काम। देख भाई हमारे हाथ में होता तो हम तो भाग भाग के करते। ओ तेरी इतनी मुंडी थूतड़ी जिसे वे पिछाड़ते नहीं। वरना हमें क्या आरता है काम करने में भाभी के काम करने में कुछ भी कर सके। देख भाई वकील इन सारों में तो यू काम तुझे ही करना बस। पर तुझे कैंपा की एक एक उन बुंदों की कसम जो मैंने अपने बाप की जेब में पैसे चुरा चुरा के तुझे प्याई है। तुझे लखीराम के बाग के उन एक एक अमरुदों की कसम जिन्हें ततियों पे कटवा कटवा का मैंने तुझे खुआए बंदर। तुझे विजेंदर की उन निखों की कसम। बस कर ज्यादा नौटंकी ना करे तेरा यू काम हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। फिर बैठा कहीं की नहीं आ जाता क्यों ना। हाँ जाना भरत। सच्ची वकील साहब। सच्ची की कोई मैं झूठ बोल रहा हूँ और मैं झूठ नहीं बोलता हूँ मुझे झूठ बोलने की आदत भी नहीं है। अजी सुनते हो आपके रह रहा सुनने को हाथ खींच के। अजी वकील साहब आए। वकील भाई मारा कौन सा मुकदमा हो गया हाथ खींच के। तुम तो हमेशा उल्टा सीधा ही सोचो वरना है मारी बाईपास वाली जमीन। अच्छा जिसमें कद्दू उगा रखे हाथ खींच के। अजी कद्दू में मारो तीर वो मारी जमीन इंस्पेक्टर प्लान में आ गई है। इंस्पेक्टर अरे इंस्पेक्टर नहीं मास्टर प्लानिंग है मास्टर प्लानिंग। हाँ वही अब हमारी जमीन पूरे 1 करोड़ की हो गई है। पूरे 1 करोड़ की। बस जरा सी कागजी कार्रवाई रह गई है। 1 करोड़ की। हाँ जी भैया कैसे भी करके यू हमारा काम निपटवा और किसी भी बात की जरूरत हो तो बता हाथ खींच के। बेफिक्र रहो बस यू समझो काम तो हो गया। अब तो मुझे जो सूचना देनी थी ना वो तो मैंने दे ही दी। अजीत थोड़े बहुत पैसे तो दो। पैसे दे दूं। अच्छा ठीक है अभी देता हूँ हाथ खींच के। ये लो भैया 5 रुपए। ये तो घर की सी बात थी है 2 रुपए का है तो टिकट लगना वो तो मैं खुद भी घर से लगा देता। तो ठीक है फिर देने वापिस हाथ खींच। अजी वकील है ये। वकील है। अच्छा मैं ज्यादा देता हूँ हाथ खींच के। ये ले 5 रुपए और बात सुन जरा ध्यान से लेके जाइए इसको हाथ खींच के। सही है ना पैसे। यह होगा नाम वाला खन्ना और यह होगा गुट्ठे का। और जो मजदूर आता रहेगा पैसे देता रहूंगा और गुट्ठा लगवाता रहूंगा। बैग। अरे जिंदगी रही तो बैग तो आते जाते रहेंगे। अगर जिंदगी ना रही तो इस बैग का क्या करेगा। जल्दी कर।
चलो। मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मेरी समझ में ही नहीं आ रहा कि तुम मेरे सामने खड़ी हुई हो, तुमसे बात करूँ या तुम्हें देखूँ। तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? जब से मैंने तुम्हारी नीलकमल से आंखों को देखा है, मैं खुद को रोक नहीं पाया। आखिर ऐसा क्या है मेरी आंखों में? जब से मैंने तुम्हारी आंखों को देखा है, मुझे लगता है कि हजारों चिरागों की रोशनी मेरे जीवन को जगमगा दिया है। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो, तब से मैंने भी तुम्हें अपना सब कुछ मान लिया है। प्यार करा ना जाने के यार करा, प्यार करा के प्यार करा ना जाने के यार करा। ओ नील कमल आंखों वाली, ओ नील कमल आंखों वाली, तूने तीर कसुत्ता पार करा, तूने तीर कसुत्ता पार करा, तूने तीर कसुत्ता पार करा, तूने तीर कसुत्ता पार करा। प्यार करा बस प्यार करा, मन ने तो साजन प्यार करा, प्यार करा बस प्यार करा, मन ने तो साजन प्यार करा, मने अपने साथ जन्म का, मने अपने साथ जन्म का, संग तेरे इकरार करा, कार्ड कले जा बाहर करा, मेरा कार्ड कले जा बाहर करा, तुम तीर कसुता पार करा, तुम तीर कसुता पार करा, रे छोरी। प्यार करा बस प्यार करा, मन ने तो साजन प्यार करा, प्यार करा बस प्यार करा, मन ने तो साजन प्यार करा, मने अपने साथ जन्म का, करा।
सामने मेरे राहों में आ गया। तूने अपनी झलक का जादू, तूने अपनी झलक का जादू मेरे दिल के आरम पार करा, 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 पार करा के प्यार करा, ना जाने के यार करा, पार करा के प्यार करा, ना जाने के यार करा, ओ नील कमल आँखों वाली, ओ नील कमल आँखों वाली, तूने तीर कसुत्ता पार करा, 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 तीर कसुत्ता पार करा, तूने तीर कसुत्ता पार करा। अरे धाकड़ छोरा, हाँ मैं तो धाकड़ छोरा हूँ, लेकिन तुम? अजी हम एक दूसरे से प्यार करें। अच्छा प्यार करते हो, अरे प्यार करते हो, और इतने भी अंधे मत हो कि गाड़ियों के नीचे आ जाओ, संभल के रहो। जीजा मेरी जमानत को नाट गया। नाटने की तो छोड़ दो पिताजी, वहां मेरी जितनी बेइज्जती हुई मुझे ही पता, और बात तो ऐसे कर रहा था जैसे हमारा घर उसी के कंधों पे चल रहा हो। मुझे दिखाई दे रहा टेम खराब आ लिया उनका। पिताजी जब वो भाषण दे रहे थे ना, वहां मुझे एक मिनट भी खड़ा होना मौत हो गया। बेटा जब गदड़ की मौत आवे ना, गांव के डब्बा गए वो, और जब किसी आदमी का टेम खराब आवे तो किसन से पंगा लेवे। बस जैसे तैसे भट्टा लूट के पिताजी थारी जमानत करवाई। अरे हम तो ब्याह करवा रहे उसके छोरे का, उस तुम्हारी जमानत भी ना हुई। कोई बात नहीं, अब देख मैं क्या करूंगा। कुछ भी करने के ना हो तुम, गात ले रखा झोटे का सा और दिल चूहे का। अरे ऐसी बात ना, वे दो हैं, मैं अकेला पड़ जाऊं। तुम अकेले कहां हो, मैं भी तो हूं थारी गैल। रहने दे, जब पारी आओगी सबसे पहले भागती नजर आओगी। ए मामा कैसी बात कर दी, तुझे अपनी भांजी पे विश्वास ना है? तू सच्ची साथ देगी मेरा? हाँ हाँ मुझे साथ दूंगी। तो चल। अरे सुन तो सही, जो पिताजी आ गए थल्ले पे कोई ना पाया तो उन तो कौन बचावेगा, वहां तो मैं तुझे बचा लूंगी। तो फिर तू एक काम कर, केला चला जा, मैं थारे यही तो साथ दूंगी। पर यहाँ खड़े खड़े कैसे साथ दे देगी तू? क्यों कोच कदी जा खेल के मैदान में, वो भी तो दूर से ही साथ दे, मैं भी तेरे यहीं से साथ दे दूंगी। चल यह बात भी ठीक है, बताती रहियो। हाँ हाँ आई, मैं तेरी बाट देख रहा था। घर को क्या कहूं, मैं धूल झोंक के आई हूं, बस उसी में टाइम लग गया। तू इतनी उदासी कैसे है? प्रताप मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बता के बात है। प्रताप तो वो के बात है, इतनी दुखी कैसे है? जो भी है मुझे बता। प्रताप बात दरअसल ये है कि पहले मैं किसी और लड़के को चाहती थी, वो बिना बताए पता नहीं कहाँ चला गया, और फिर तुम मेरी जिंदगी में आ गए, और वो भी वापस आ गया।
प्रताप, तुम जानते हो ना पहली चाहत पहली होती है। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। प्रताप, जो हुआ उसे भूल जाओ, मुझे माफ कर दो। हेलो, कौन? फिर बुढ़िया ने ठालिया दिखे। हेलो, कौन? मैं टेलीफोन दफ्तर से बोल रहा हूँ। तुमने अपना बिल जमा करवा दिया? तेरे भेजे में भाजी भरी है क्या? अगर बिल जमा ना होता तो क्या ये फोन चलता? पागल हो गया तू? फिर नया सलोक सुना दिया बुढ़िया ने। उत्तर फिर बज गया यू। खा के झोटा हो रहा तू और निकल जा यहाँ से। हाँ हाँ, काट दो गैली, मुझे भी काट दो इस घर से। हाँ, जब देखो तब मेरे भाई के पीछे पड़े रहो। हेलो, कैसी हो डिंपल? प्रताप, तुम कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, मैं भी ठीक हूँ। सुबह से परेशान था, तुमसे बात करके बोझ भी हल्का हो गया। क्यों, ऐसा क्यों हो गया? ये बेकार की बातें हैं। भारतीय नारी जिसे दिल से एक बार अपना पति मानती है ना, फिर वो ही उसी का पति होता है। फिर वो उसी के नाम की मेहंदी अपने हाथों में लगाती है, वो उसके नाम का सिंदूर अपनी मांग में सजाती है। फिर वो ही उसका सब कुछ होता है और उस नारी का सब कुछ उसके पति का होता है। प्रताप, कैसे चुप हो गए? वो मैं सोच रहा था, जरूर मन ने पहले जन्म में मोती दान करे होंगे, जबी तो तू मुझे पत्नी के रूप में मिल रही है। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो भी तुमने सपने में देखा उसे कभी हकीकत मत समझना। डिंपल, मुझे पता तो नहीं है, फिर भी यदि 7 फेरे लेने से 7 जन्मों का रिश्ता जुड़ता है तो मैं 7,000 फेरे लेना चाहूंगा और भगवान से यही मांगूंगा कि तेरा मेरा 7,000 जन्म का रिश्ता हो। जन्म बिगड़ जाएगा। ये तो के कह रहा किशन, उस दिन तो तूने तारीफों के पुल बांध दिए और जब मैं वहाँ गया तो मुझे भी सब कुछ ठीक लगा, और अब वो लोग इतनी जल्दी इतने बुरे कैसे हो गए हाथ खींच के? सेठ जी, आप मुझे माफ कर दें, चाहो तो 2 जूते मार लो, मैं घने दिन तक वहाँ गया नहीं। पहली बात तो सारी बता दी और अब तो सब कुछ बदल गया, ना जमीन रही ना जायदाद, एक वो खानदानी दवा खाना है बस, किसी तरह उससे गुजारा चल रहा। और बड़ी बात तो यह है, जिसे वह लड़की दे रहे उसका चाल चलन भी ठीक नहीं, सो ऐब है सो। और रही बात ठीक लगने की, जिसके छोरे का ब्याह ना होता हो ना और वहां रिश्ता हो जाओ, बस सब ठीक लगन लगे। ठीक कह रही है, पर ना तो मुझे अस्पताल अच्छा लगा और ना ही छोरा अच्छा लगा, पर मेरी कोई सुने तब ना। मैं छोरी का नाश ना हो दूं, मैं तो आज ही मना कर दूंगा हाथ खींच के। अब ये बात तो तुम देखो, मैंने तो सब कुछ बता के अपनी गलती का प्रायश्चित कर लिया। लाला जी, मैंने तो अपने घर पे नमक भी थारे पीछे दिखाया, मैं नमक हराम नहीं बनना चाहता। लाला जी, अपना सोचो, मैं चलूं,
सोचना वोचना गया बाढ़ में। मैं तो अभी के अभी फोन मिला रहा हाथ खींच के। अरे लाला जी जरा बात तो सुनो, कोई गलत फहमी बात के हुई? तुम क्यों कर शांत से बैठ गए? किसका फोन था? अरे लाला का फोन था। लाला का फोन था? क्या कह रहा था लाला? क्या कह रहा था? रिश्ते को नाट गया। रिश्ते को नाट गया? क्या कह दी? ये कह रहा था अगमारा ब्योत ना है, पर भाई मुझे तो यह भान्यबाजी सी लगी। तो पूछे तुम के बात है? अरे पूछता कैसे, उसने अपनी अपनी कह दी और मेरी सुनी ना, फोन काट दिया। उसने काट के तब मिला लेते? वाह भाई वाह, तू बहुत बढ़िया। मैं फोन मिला लेता, अरे मैं छोरे वाला हूँ, कोई इज्जत छोटेगा ना? इसमें लड़कों वाली के बात है, बकायदा रिश्ता तय हुआ, न्यू टूटे रिश्ते रिश्ते। मारे से ज्यादा जोर तो उन पर पड़ा होगा, पर अब करना ही ना तो अब क्या करा जा भाई? करा क्यों नहीं जा सकता, क्या दिक्कत है? उनके घर जाओ, यूं पूछो ब्योत काय करना है, हमारी कोई मांग नहीं शरत नहीं, अगर दिक्कत है तो उसका भी समाधान करो। क्या मतलब, मैं जाऊं उनकी देड़ी पे? मैं तो नहीं जाता। ना बेटा देख, इस हालात में मारा वहां जाना ठीक नहीं है, आना होगा तो वे खुद आ जाएंगे। तो ठीक है तब मत जाओ, मैं जाऊंगा वहां। सुन रहे, रिश्ते दुनिया के हुए और मारे भी हुए थे, नू दबकर रिश्ता लेने का मतलब सारी उम्र दबकर रहना पड़ेगा। नू कैसे दब जाएंगे? तेरे तक कह दी ना अगर नहीं जाना तो नहीं जाना। मैं जाऊंगा जरूर जाऊंगा, यार कोई बात है बात है कुछ भी, हाथ खींच के तू रिश्ते की मना क्यों कर रहे हो? क्या दिक्कत है? जब तुझे कह दिया कि मारा ब्योत ना है अभी हाथ खींच के, दिक्कत बताओ, मिलके समाधान करेंगे। अपनी परेशानी का हल हम खुद ढूंढ लेंगे, तेरी जरूरत ना हमें। हल तुम करो या हम करें, मतलब तो हल उठता है, थोड़ी बहुत देरदारी भी हम निभा लेंगे। तू तो मारे काम में ऐसे सलाह दे रहा जैसे मारे घर का बड़ा हो हाथ खींच के। बड़ा ना तो छोटा हूँ, तो घर का ही। घर का? ओ बेटा तेरी गलत फहमी दूर कर दूं, सच बात तो यह है कि हमें तेरे घर से कोई रिश्ता रखना हाथ खींच के। याद कोई बात हुई? कल रिश्ता जोड़ दिया आज तोड़ दिया। बस तुझे बता दिया, हम अपनी डिंपल का ब्याह तेरी गल कटे नहीं करेंगे हाथ खींच के। पिताजी क्या हो गया आपको, क्यों दूसरों के बहकाए में आके रिश्ता तोड़ रहे हो आप? सुंदर जा, तू मैंने कह दिया तो कह दिया, अब तेरा ब्याह इससे कटे ना होगा। तो आप भी सुन लो पिताजी, अगर मेरा ब्याह प्रताप के साथ नहीं हुआ तो मैं कहीं ब्याह नहीं करूंगी। तुमने मार दिया और मन ने देख लिया, यही बहुत बड़ी बात होगी। और देख यू भी लिया, रिश्ते की तुम मना कर रहे हो, डिंपल मना ना कर रही, अब चाहे जो भी हो डिंपल का ब्याह मेरे से होगा। तू यहां से चला जा, नहीं तो मुझसे पूरा कोई लोगे हाथ खींच के। जिन आंखों में प्यार बसा वो आंख कभी नहीं झुक सकती, इश्क़ वो आंधी है जो नहीं रुक सकती, इश्क़ वो आंधी है जो नहीं रुक सकती, रुक नहीं सकती, झुक नहीं सकती, मेरे अलावा जान मेरी नहीं और किसी की हो सकती, इश्क वो आंधी है जो नहीं रुक सकती, इश्क वो आंधी है जो नहीं रुक सकती, रुक नहीं सकती, झुक नहीं सकती, मेरे नाम के संग आवेगा है कौन
यहाँ पे ऐसा जो तुझे ले जाएगा, नाम तेरा ही मेरे नाम के संग आएगा। है कौन यहाँ पे ऐसा जो तुझे ले जाएगा, हाथों को तो काट सके है ये जालिम दुनिया, ये जालिम दुनिया, ये जालिम दुनिया। हमी हुई उंगली छूट नहीं सकती, हमी हुई उंगली छूट नहीं सकती। पत्थर के कर पाया मोम के दिल वालों का, उठा रहा दीवानों का सिर झुका है घर वालों का। पत्थर के कर पाया मोम के दिल वालों का, उठा रहा दीवानों का सिर झुका है घर वालों का। सर को ही तो काट सके है ये जालिम दुनिया, ये जालिम दुनिया, ये जालिम दुनिया। जुड़ी हुई सांसें टूट नहीं सकती, जुड़ी हुई सांसें टूट नहीं सकती, झुक नहीं सकती, हाँ झुक नहीं सकती। सही बिसात बिछा दी बापू, अब तो चौखा खांडा बच गया उनके बीच। अरे मोहरे बना दिए मोहरे, और मोहरे भी ऐसे जिन्हें चलाने वाले हाथ भी मारे होंगे। और अब चल तो हम अपने मन की चलेंगे, और बाजी जिंगे कुछ आंगे उंगे को घुमा देंगे पिताजी। अरे बाजी तो कोई खेल है, जी तुम्हारी होगी। देखना ऐसी चाल चलूंगा कि चाणक्य भी सोचता रह जा। अरे ये सोचने का वक्त ना, कुछ करने का वक्त है, करना बस बिहार वो भी डिंपल की गैल। अरे कतई चिंता मत कर, डिंपल तेरी है, बस तेरी है, चाहे ठाके लानी पड़ जाइयो। वाह भाभी है हमारी, हम उसके देवर हैं, देवर का हर हक अदा करेंगे। चाहे कोई सी भी दफा कितनी ही दफा लग जाइयो, पर हम पीछे ना हटने के हैं। अरे वो सब तो ठीक है, पर एक ड्यूटी और फालतू लग गई। वो के अरे इस बात क्यों निगाह रखनी पड़ेगी, उड़ रहा है बुड्ढा, उसका ब्याह ना कर दे कहीं। ऐसा कैसे हो जाओगा, उसके बाप का माल है ना, उस पर तो मोहर लगी है इसकी। अरे भाई का ठप्पा है उसके पूरे दिल पे। हाँ यू ठीक है, तुम्हें बारात में जाना है। ओ दींग आ गया तू, रुक तू, तेरा ढींगपना मैं काटूंगा आज, मैं बनाऊंगा तेरी चौकी। आराम से समझा लो, क्यों बालों को पिट्टा लग रहे। इन्हें नाश कर दिया इज्जत का, वहां लड़के वालों के यहाँ जाने की क्या जरूरत थी, इन्हें क्यों सांग सुन रहा है, इसने क्यों गया था, यो शर्म आई कुछ। तुम गए वहाँ, ना गए तो मैं चला गया। हाँ मैं जाता वहाँ अपनी बेइज्जती करवाता। अरे नाटके तो नाटके, ऐसे कैसे नाटके।
अच्छा मुझे और कर रहा बिगाड़ा तो तन नहीं है यो। टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा, तब माता रानी पे भरोसा करो। सब देख रहा हूँ मैं, ये करी है तेरी माता रानी। आज के बाद तू वहाँ फटका तो तेरी टांग तोड़ दूंगा। जिस पे रोका जाएगा रोक लियो, मैं वहाँ जरूर जाऊंगा, जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। अब तक तो वो मना कर रहे थे और अब मैं मना कर रहा हूँ। तेरा ब्याह हरगिज नहीं होगा। या उम्र ऐसी हो, कहीं और बात चला के देखो, ब्याह हो जाएगा ठीक हो जाएगा। विश्वास न हो तो धूप कसक ना लो लेना, कर मुझ पे विश्वास न हो तो धूप कसक ना लो लेना। ओ विश्वास जरा मुझ पे तो चैन से तुम तो लेना, ओ विश्वास जरा मुझ पे तो चैन से तुम तो लेना। मैं आऊंगा लेकर जाऊंगा, मैं आऊंगा लेकर जाऊंगा। सारी दुनिया झूठी है बस तेरा ही विश्वास है, सारी दुनिया झूठी है बस तेरा ही विश्वास है। कैसे झलकेंगी ये आंखें जब तक तू मेरे पास है, कैसे झलकेंगी ये आंखें जब तक तू मेरे पास है। मैं जाऊंगी संग तेरे जाऊंगी, मैं जाऊंगी संग तेरे जाऊंगी। बहरे है दीवार है भले पतवार है, होकर एक दिखाएंगे कहता तेरा यार है। जीवन का आधार है जिसको पूजो वो प्यार है, और कल कुछ खाए तेरा इंतजार है, तेरा ही इंतजार है। मैं आऊंगा लेकर जाऊं, मैं आऊंगा लेकर जाऊंगा। जाए चाहे मरना, पड़ जाए चाहे मरना। मैं जाऊंगी संग तेरे जाऊंगी, मैं जाऊंगी संग तेरे जाऊंगी। कर मुझ पे विश्वास न हो तो धूप कसक ना रो लेना, कर मुझ पे विश्वास न हो तो धूप कसक ना रो लेना। ओ
विश्वास जरा मुझ पे तो चैन से तुम तो लेना, ओ विश्वास जरा मुझ पे तो चैन से तुम तो लेना। मैं आऊंगा लेकर जाऊंगा, मैं आऊंगा लेकर जाऊंगा। सारी दुनिया झूठी है बस तेरा ही विश्वास है, सारी दुनिया झूठी है बस तेरा ही विश्वास है। कैसे झलकेंगी ये आंखें जब तक तू मेरे पास है, कैसे झलकेंगी ये आंखें जब तक तू मेरे पास है। मैं जाऊंगी संग तेरे जाऊंगी, मैं जाऊंगी संग तेरे जाऊंगी। अंगाई चढ़ रही लाला को, इज्जत रास नहीं आई, साले ने मारी बात भी नहीं रखी। वो तो सब ठीक है पर मेरी समझ में ना रहा कुछ भी, पता ना क्या होगा। अरे सब हो जाएगा, जब हम गैल हैं तेरी तू क्यों घबरा रहा। अरे जब छोरी का रिश्ता टूटता है तो बात तो बनेगी। मतलब? अरे मतलब क्या, जैसे जैसे रिश्ता टूटने की बात फैलेगी कि नहीं तो लोग बाग पूछेंगे कि भाई रिश्ता कैसे टूटा, कैसे टूटा, क्या हो गया। अरे रिश्ता करवाने वाले हम कुछ भी गा देंगे। और अब तो तू कुछ ऐसा कर कि रिश्ता टूटने की बात फैलने तक ना कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, और नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी, बेइज्जती। अरे मैं तो बथेरी अपनी सी कर रहा हूँ, पर के पता कल कौन गुट्ठी पर आ जाए उसे। अरे कौन पर आ जाएगा, हम नहीं बैठे क्या। मैं तुझे नहीं तो बताना आया, उसके रिश्ते वाले आ रहे हैं आज। कौन? लाला कैसा बावड़ा सा हो लिया। अरे बावड़ा ना, मुझे हंसी आ रही है तुम दोनों को देख के। इतनी भुंडी शक्ल तो है नहीं मारी। अरे शक्ल पे ना तारे कर्मों पे हाजरा हूँ। क्या कर दिया हमने और करने में कसरी क्या रहेगी ना, ये भी समझ में। जिस लड़की के रिश्ते के लिए तुम जा रहे हो ना, उसका नाम डिंपल है, और वह प्रताप नाम के लड़के को चाहवे चाहवे। प्रताप भी सघना है, पर इस बारे में तुम्हें क्या बताऊं, खुद ही सुन लो कहानियां। मेरा नाम रहीम है, मैं रोज डिंपल के पीछे भागता था, रोज उसे छेड़ता था, उस रोज भी मैं हर रोज की तरह डिंपल के पीछे भागा। मैंने उसे छेड़ा, उसकी तरफ तो आंख मारी, पर उस रोज हर रोज की तरह डिंपल अकेली नहीं थी, उसके साथ प्रताप था। मैं भी उस रोज हर रोज की तरह अपने घर गया, पर उस रोज हर रोज की तरह मेरी दोनों आंखें नहीं थी, एक आंख मेरी प्रताप ने निकाल ली थी। आंख मारते ही आंख निकाल ली? अरे वो तो जैसे तैसे मैं भाग आया, वरना मन्ना मारी तो एक आंख थी, वो तो मारी दोनों निकाल लेता। पर ये प्रताप है कौन? मेरा नाम है प्रताप। ए जी मैं जरा पड़ोस में जा रही, डिंपल को लेके आ रही हूँ मैं। जब भारे को जाओ तो ताला लगाते जाइयो। ठीक है। राम राम सेठ जी। राम राम किशन, राम राम। बैठ। बैठ तो गए, रिश्ते वाले आए होंगे, के रहा। अब क्या बताऊं तुझे किशन, उस प्रताप ने तो हमारी मट्टी प्लीत कर रखी है हाथ खींच के। बताना के उल्टे सीधे इल्जाम लगा दिए उन्होंने, वे तो फोन पे भी ढंग से बात ना कर रहे, बस घबराए घबराए से हो रहे हाथ खींच के। अब तो ठान ली मैंने, भले ही सारी जिंदगी छोरी घरों बिठानी पड़ जा, पर उनके घर कभी जिंदगी में ना भेजूं मैं। बात कर रहे हो लाला जी,
डिंपल को छोरों की कमी है क्या? गुड़ है गुड़, और गुड़ पे विणकण को तो लाखों मक्खियां आ जाया करें। वैसे एक रिश्ता और है मेरी नजर में। तो ठीक है, तू बात करके देख हाथ खींच के। क्यों नहीं, देखता हूँ। अच्छा राम राम, चल बेटा। अच्छा राम राम लाला जी। राम राम। एक और रिश्ता। इब तू देख ये रिश्ता मैं तेरे से कैसे कराता हूँ। लाला की इकलौती लड़की, एक बार ब्याह हो जा फिर सारा माल अपना। बेटे जैसा तुझे बताया वैसा करता जा, इधर की बात उधर और उधर की बात इधर इधर, फिर जिंदगी चौकी गुजर बसर। तो बापू अब मैं उनका पहुंच जाऊं। वैसे हम भी हैं पूरे वाले। पहले रिश्ता तुड़वा भी दिया और हमारे तो जुड़वाओगे भी हम ही। अरे तू तावड़ कर, जाके प्रताप पे हाथ धर। बस तो ठीक है, चल। मैंने आपको पहचाना नहीं। पहचान भी जाओगे, जान भी जाओगे, मान भी जाओगे। तनिक बैठने तो दो। हाँ क्यों नहीं, पीरे जरा पानी लिया। अभी ला रहा। लो चिड़िया बैठा दो। पर ये है के PIC पॉलिसी। यू होवे की है। बहुत बढ़िया चीज है, दुर्घटना के बाद भी और दुर्घटना के साथ भी। हम समझे नहीं। समझाण को तो यहाँ आया हूँ। समय का दी एक सा नहीं रहता, बदलता ही जावे, बदलता ही जावे। बखत ही ठीक बात। इसलिए हमारी कंपनी लाई है सिर्फ आपके लिए एक अनोखी स्कीम। आइए स्कीम के बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ। इसमें पैसे भरने की जरूरत ना है। ये PIC की तरफ से प्रताप विकास कल्याण योजना है, जिसमें केवल प्रताप का ही कल्याण है। मान लो कल कोई हादसा हो जा और थारा जबाड़ा टूट जा, तो कंपनी तुम्हें 5,000 रुपए देगी नई जबाड़े की। निया एक हाथ टूट गया तो कंपनी तुम्हें 5,000 रुपए देगी। अगर आपके दोनों हाथ टूट गए तो बताओ कंपनी आपको कितने रुपए देगी? 10,000? 10 नहीं बल्कि 12,000 रुपए। उसी तरह अगर आपका एक पैर टूटता है तो 5,000 रुपए, दोनों टूटते हैं तो 12,000 रुपए। लेकिन दोनों हाथ दोनों पैर टूटने पर 12×2=24 नहीं 25,000 रुपए देगी कंपनी आपको। और अगर आपकी पसली टूटती है तो? बस बस, हमारी गाल ऐसा होगा ही क्यों? होगा, जरूर होगा। और थारी गैली जरूर होगा, क्योंकि तुम डिंपल घर इस तरह के जाओगे और प्रताप थारा यू ही हाल करेगा। प्रताप? हाँ प्रताप। कालिया बताई ने। मेरा नाम है रहीम। मैं रोज डिपल के पीछे भागता था, रोज मैं डिपल को छेड़ता था। उस रोज भी मैं डिपल के पीछे भागा था, उसको मैंने छेड़ा था, उसकी तरफ को मैंने आंख मारी थी। पर उस रोज हर रोज की तरह वो डिपल अकेली नहीं थी, उस रोज उसके साथ प्रताप था। मैं हर रोज की तरह उस रोज भी डिपल को छेड़ के अपने घर गया, पर उस रोज हर रोज की तरह मैं अपनी दोनों आंखें लेकर के घर नहीं गया। एक आंख मेरी प्रताप ने बाहर निकाली थी। पर ये प्रताप है कौन? मेरा नाम है प्रताप। हो गया काम। अरे फुल्लो, अब तो हरदम चहकने वाली डिंपल कुछ उदास उदास ही रहने लगी। वो उसका रिश्ता टूट गया ना, हमने तो ये भी सुना है कि वो उस छोरे को चावे थी। पर फुल्लो, रिश्ता टूटा थोड़ी, ये तो तुड़वाया गया। तुड़वाया गया है? फुल्लो मैं सच कह रहा, मैंने किशन बिशन की बात सुनी, खुद तो रिश्ता तुड़वाया ही, अब डिंपल को अपने घर की बहू बनाने की सोच रहे।
ये तो घना ही गलत हो रहा है। लाला के घर का बेड़ा गर्क हो रहा है, हमें कुछ करना चाहिए। तू ठीक कह रही फुल्लो, हमें कुछ करना पड़ेगा, वरना मुझे तो लग रहा कभी डिंपल हंसी भी पाओगी। डिंपल बात बताऊं? डिंपल एक बार मैं सोदले के नहर के पुल पे तारा था, तो एक माई से एक बैर आ रहा था और दूसरी माई से दूसरा, तो एक बहरे के हाथ में सब्जी का थैला, पहला बोला भैया सब्जी ला रहे हो, दूसरा बोला ना ना सब्जी ला रहा हूँ, पहला बोला अच्छा अच्छा मैं तो सोच रहा था सब्जी ला रहे हो। बेटा मेरे लाल, देख आज मैं तेरे लिए कितनी स्वाद चटनी बनाई है, खा के देख। ले अभी ना खराब बाद में। क्यों तड़के देता है, क्या खा लिया? खा ले बेटा। खाया ना इसने? खाया ही ना। छोरा कुछ बदल सा गया, ये तो पहले वाला प्रताप रहा ही ना, बहुत नटखट था ये तो, अब तो यू बुझा बजा सर है। राम राम लाला जी। राम राम सोनू, राम राम। बड़ा ही प्यारा बच्चा है, हाथ खींच के दे भाई इनको सामान दे। लाला जी राम राम। राम राम किशन, राम राम। आजा लाला, कुछ कर, वो छोरा नहीं करता रहा ना तो छोरी घर ही बची रह जाएगी। आपके करा उसने हाथ खींच के? उसने, वो जो मेहमान आने वाले थे ना, उन्हें भी वहीं जाके समझाया। हम बे आए तो नहीं, पिछली बार भी उसी ने बगाए, इस बार भी उसी ने बीज बोए होंगे हाथ खींच के। अरे लाला जी, पिछली बार तो प्रताप ने रास्ते में आने का इंतजार भी करा और अब का तो वो घरों ही जाके थारा इलाज बांध दिया है। और नू और कह रहा था, अरे रहन दे या ना बतावे, तू बात बता बिशन, बात बता, हाथ खींच के। लाला जी थारा बीपी बढ़ जाएगा। ए, बीपी को फेंक बाहर में, तू बात बता बिशन। अरे ये समझो ही गलत बात कह रहा था। क्या बता रहा था बिशन, तू बता बेटा बता, बता तो बिशन। अजी रहने देते जब पिताजी मना कर रहे। हम भी तो कुछ कह रहे तुझसे, तू बात बता हाथ खींच के। नू कह रहा था लाला की छोरी को घरों बैठी बैठी बुढ़िया ना कर दी ना तो मेरा भी नाम प्रताप नहीं। और नू और कह रहा था कि लाला के तड़वे ने गोड्डे भी घसवा दूंगा छोरा ढूंढते ढूंढते। किशन तू तो बता रहा था तेरी निगाह में कई छोरे खेरिया उनका हाथ खींच के। लाला जी छोरे तो मैं कई देखन गया, कुछ तो थारे लायक ना और कुछ ने तो मैं अपने लायक ना समझिया। क्यों मारे में के कमी हाथ खींच के? कमी कमी तो कुछ ना थारे में, पर प्रताप के घर वालों ने यह बात उड़ा रखी, उन्होंने थारे से रिश्ता इसलिए तोड़ दिया कि थारी लुंडी का चाल चलन ठीक ना। अब चाहे कुछ भी हो जाए, ब्याह तो मुझे 7 दिन के अंदर ही करना है। अब छोरा चाहे आसमान फाड़ के आए या धरती को चीर के हाथ खींच के। छोरा तो एक है, पर तुम्हें पसंद आवे ना आवे। कौन है तू बता किशन, बता हाथ खींच के। वो मारा बिशन भी तो अभी कुंवारा ही है। हम बे भाई इस पर तो निगाह ही ना गई हाथ खींच के। भाई ये तो वही बात हो गई किशन कि बगल में छोरा शहर में डिंडोरा हाथ खींच के। ले भाई बिशन आज से मारा हुआ है। और बात सुन किशन, किसी पंडित मंडित से बुजुर्ग की जरूरत ना, मैं चाहता हूँ इस दीन को पता चलने से पहले ही सारे कार्य निपट जाए, पता नहीं वो क्या क्या के कर दे हाथ खींच के। अजी हाँ मैं देखूंगा कैसा दीन है वो,
पर एक बात देख लियो लाला जी, अगर उनने आपका कुछ करा ना तो छोड़ू नहीं। पर वो भी तो थारे अपने हैं हाथ खींच के। अरे काहे के अपने लाला जी, जो हमारी खुशी में आफत का पलीता लगा रहे। खैर हम चले, चल कर तैयारी करें। चलो मैं तुम्हें मोड़ तक छोड़ के आता हूँ, हाथ खींच के चलो आ जाओ। बेटे बापू हो गया मामला फिट। मोटू तू थारे घर में घना करा थोड़ा। तो तुझे मेरे घर की काहे को परवाह हो रही है? तू तो लड़ाई मेरे ते। तेरी मेरी लड़ाई रही अलग। अगर मैंने तुझे बात न बताई तो डिंपल और तेरे घर का नाश हो जाएगा नाश। ऐसी कौन सी बात है? क्यों के कह रहा तू? मैं सही कह रहा हूँ, तेरे घर की कुंडली का राहु केतु वे दोनों बाय बेटे हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रताप के पास जाना चाहिए, वही कुछ करेगा। तू मुझे उसका पता बता। ठीक है मैं तुझे प्रताप का पता बताता हूँ। हाँ मामा सुकनी हो गया मेरे मामा। सुकनी सुकनी ना, कंस है कंस। सुकनी हो गया क्या हो गया? साले की टांग तोड़ देंगे। अरे कंस तो साले के जहने पार रखते हैं। अरे बर्दाश्त से बाहर हो गया, उसे पता लग जाएगा किसके साथ गलत करा उसने। और उसके साथ तो वो करेंगे कि जब भी उसकी आंख खुलेगी तो जब पूछेगा अपनी माँ से कि मेरे को के अंदर ही क्यों ने मार दिया। अरे क्यों जन्म दिया मुझे? ठहरो, मम्मा को पीटने था, लाला की नजर में और खटक जाऊंगे। फिर सगाई कल की होती आज हो जाएगी। अगर तुम्हें कुछ कहना सुनना है तो शीतल लाला से मिलो। ठीक है तैयार रहना, तड़ी तक चलना सगाई में। और तू यहाँ के करने आया हाथ खींच के? देखो लाला जी, जो हुआ उसमें ना थारी गलती ना हमारी गलती। मुझे कुछ ना सुनना, बस तू जा यहाँ से, नहीं तो दूंगा एक हाथ खींच के। देखो लाला जी, मैं तो मैं बहन में तो काटना चाह रहा हूँ, ये सब इन दोनों के क्रम है। ये दोनों नाग है नाग, ये दोनों थार तक कुछ मार तक कुछ बताते रहे, और ये दोनों नाग थारे परिवार में बढ़कर सब कुछ हड़प करके ले जाएंगे। देखा लाला जी यो क्या बकरा, सब कुछ तो आपका देखा बाड़ा, और यो फिर भी मारे पे इल्जाम लगा रहा। हाँ, आज इस बेचारे ने थारी करतूतों के बारे में बता दिया तो इसमें सौ कमी नजर आएगी। जब ये थारा ब्याह करा रहा था तो मामा मामा चला जाए यहाँ से। यू आस्तीन का सांप है जिसके चक्कर में तुम मुझे काट रहे हो। संबंधी है यू मेरा हाथ खींच के। पिताजी क्यों आंखों पे पट्टी बांधे खड़े हो? क्यों सच और झूठ की पहचान नहीं कर रहे आप? तेरी हिम्मत कैसे हुई मारे भीतर बोलने की? संतो ले जाए सब इधर हाथ खींच के। पिताजी आप समझते क्यों नहीं हो? समझने की कोशिश करो पिताजी, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? लाला जी ऐसा मत करो, हमें जुदा मत करो। के बात है लाला जी, क्या हो रहा? आयु किसका छोरा आयु? पास के गांव में रहे धिंगा दस्ती जबरदस्ती मारी डिंपल के पीछे पड़ रहा हाथ धोके। लाला जी मैं यहाँ धिंगा दस्ती करने नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ डिंपल अपने रिश्ते की बात करने आया हूँ। पूछो उससे किसी गैल ब्याह करना पसंद करेगी। लड़की ते बूंजन की रस्म तेरे खानदान में होगी, मारे खानदान में ना। मारे खानदान में तो घर का मुखिया ही फैसला करे, और इस घर का मुखिया मैं हूँ। मैं हाथ खींच के तो मेरा फैसला भी सुन लो, मेरा ब्याह डिंपल ते होगा, उससे होगा, उससे होगा, उससे होगा। अरे ये छोरा तो घना बदतमीज हो रहा, बताओ उसे छोरी सारे काम की हो। मामो नीच हो रहा तू, अब बाहर काटो रहे से। अरे किसी की हिम्मत नहीं जो हाथ ला दे मारे। नहीं बैठ गया अब, आती क्यों ना? अरे यू क्यों हो गया थारे, कहाँ भिड़िया है? सारे फुट्टे पड़े तुम तो। अरे इसका कितनी चोट लग रही, क्या कर काया यू? ए भाई तुम क्या कर काये, थारे तो सबके ही बहुत चोट लग रही। चाचा हमारा कोई दोष नहीं है इसमें, सारा दोष मामा का है। उस ना
नालायक ने अपनी पान का घर भी नहीं छोड़ा। छोड़ू उस कंसमा को भी ना। अरे मेरी आंखों में तो वो पहले ही खटक रहा था, वो कोई आदमी है? मैं तो एक बार भी उसे पैसे देकर राजी ना था। और तुम कहने लगे करा दो जमानत, और ना तो मैं तो एक बार भी जमानत ना कराता उसकी। मैं तो तुम्हें नू कह दिया करूं थी, अगर वो मुसीबत में है उसका साथ दो, पर मुझे नू नहीं पता था अगर वो हमारी आस्तीन का सांप बन के रह जाएगा, हमारे घर की बहू को अपने घर की बहू बना लेगा। नहीं मामा जी, जो कुछ भी कर ले डिंपल का ब्याह मेरे से होगा। भाई किसने के कर रहा है और कौन के कर रहा है, इन बातों से हमें कोई मतलब नहीं। हम गांव समाज में रहने वाले आदमी है, यहाँ हमारी इज्जत है। यू जो प्यार का भूत हो है ना, ये चार दिन की बात हो है। और बाद में बस यही सोचना चाहिए, अब इज्जत कमाते तो पिड्डी लग जा बेटे, और खुद ते एक मिनट लगे तो बचाओ अपनी इज्जत को, करवाओ हमारा ब्याह। हाँ तो ब्याह को कब नाट रहे हम, यू काम भी होगा, टाइम आने पर सारे काम होंगे, सबर कर। तो कदा होगा टाइम, दो दिन पीछे उसका ब्याह है। अरे तो होने दे, ये मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूँ, और कान खोल के सुन ले। और तने को गलत कदम उठाया तो मेरे तो बुरा कोई नहीं होगा, समझ गया? उस घर में हरगिज हरगिज तेरा ब्याह नहीं होगा। अरे तू मेरी आंखों के आगे से टल जा, तुम भी जाओ रे। इसे हल्दी का दूध दे दिए, और परसों छोरी का ब्याह है, ध्यान रखिए तू। Got it.
बेटा मान जा, बेटा मान जा, तू जिद ना करे। खोल पाड़ू गुना थोड़ा, तू मेरी बात सुन, सुन तो सही। अरे रहन दे कुआड ना थोड़ा, तू अरे रहन दे कुआड ना थोड़ा, तू सुन तो सही। कुआड़ गुना तोड़े, तू मेरी बात सुन, देख सुन तो सही। मैं इससे भी सोनी बहू ला के ना दूजी बताइए। मुझे सोनी ना डिंपल चाहिए, डिंपल। मान जा बेटा मान जा। मना कर गए। ओ बेटा मार दे, छोड़ दे मां, मां छोड़ दे। अरे ना सो जा, अरे के मार गए, एक चीज पलक जा तो लगी जा। प्रताप 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 रुक जा प्रताप। ये बात है, जब तक शादी नहीं होती तुम नहीं जा सकते। तू तो तू, तेरे कुत्ते ही मुझे वहां जाने से नहीं रोक सकते। Yeah.
की बात है। अरे आप? हाँ, क्या बात हुई? वो मेरे मामा के भकाए में आके डिंपल का बाप जबरदस्ती उसका ब्याह अपने लड़के की गर्ल करवाना चाह रहा है। ब्याह वहाँ हो रहा है और बैंड तो यहाँ बजा रहा है। बैंड के बजा ये उसके गुंडे हैं, मुझे वहाँ जान से रोक रहे। मुश्किल तो कोई आजकल चोरी पटे है, उसमें भी तुम टांग अड़ा रहे हो, तो रोड मंची हुई। सही, तू कहाँ जा रहा है? जिसके गट्टों में दम होगा लड़की वो ले जाएगा, तू खामखा क्यों बीच में आ रहा है? बाप हूँ मैं उसका। तू बाप नहीं, पाप है। जिस बाप ने अपनी औलाद को सही संस्कार ना दिए हो वो बाप नहीं, पाप है पाप। तुझे बाप कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। बेटा मैं प्रताप के कतई खिलाफ नहीं हूँ, उसे गलत फहमी हो गई है। छोड़ तो सही। छोड़ बेटा। ठीक कह रही, छोड़ दे इसे। वैसे तो इनकी करतूत ऐसी है कि इन्हें सजा बहुत मिलनी चाहिए, पर नहीं, इन्हें सजा देने का हमें कोई हक नहीं, इन्हें ऊपर वाला अपने आप सजा देगा। छोड़ दे तू। देख ये हो बाप और इन्हें कहे संस्कार, क्यों पाप? प्रताप, प्रताप। भगवान पे छोड़ दे सब तू। डिंपल। ले बाप, संभाल अपना पाप। ओ धींग धींग हो रहा तू धींग, पहले तूने मारी बेइज्जती की, अब तू गुंडों को बुला के मारे होने वाले जमाई को पिटवा रहा है, और तू भी उसकी गैल बेशरम हो रही, बेशरम। चल घर चल, नहीं तो दूंगा एक हाथ खींच के। चल। लाला जी शांति शांति। देखो कायदे की बात ये है कि छोरी थारी, थारे घर की इज्जत, तुम इसे ले जाओ। पिताजी यहाँ नहीं जाओगी। अरे जान दे तू इसे, चल हट जा। नहीं पिताजी मैं नहीं जाऊंगी। लाला जी देखो कैसे बेकार रखा तुम्हारी छोरी को। ओहो काम पूरा नहीं हो रहा, लगता है काम भी मुझे ही पूरा करवाना पड़ेगा। लाला जी बहका हम नहीं रहे आपको, बहका ये रहे। वो तो मुझे पता, कौन बहका रहा, कौन साजिश कर रहा, इसने 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 नई नई स्कीम बना रखी है मारे खिलाफ, और बड़ी दुनिया के आगे मारे ही घर में मारी बेइज्जती की इसने।
बड़े समाज में मुंह दिखाने के लायक ना चौड़ा इसने हाथ खींच के। लाला जी शांति करो तुम। आज तक जो इसने करा सो करा गलत फहमी में, लेकिन आज के बाद मेरा वचन है ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। ये क्या कर रहे हो तुम लाला जी? आंख होते हुए भी क्यों अंधे बन रहे हो? एक तरफ तो ये इंसान है जो गलती ना होते हुए भी देखो गलती मान रहे हैं अपनी, और एक तरफ ये शख्स है जो पूरा का पूरा गलत है और फिर भी अपने आप को सही बता रहा है। अब थोड़ी सी तो अकल से काम लो। आप लड़की की शादी कर रहे हो या फंद काट रहे हो? कम से कम लड़की जहाँ खुश हो वहाँ करोगे शादी? लाला जी ये सब थारे खिलाफ साजिश हो रही, वरना मैं अच्छी तरह जानू ये कैसे है। अच्छा तू बताओगा हम कैसे है? अपने बताने का 36 बार तेरी जमानत करवाई हमने, बठारा खुआ रहे तुझे, 36 केस चल रहे हैं तेरे, अपने बताता है। भाई नहीं तो कसाई है। जो तेरे जीजा ने तुझे दिया वो तो दिया, अरे मैं जो लुक लुक के तुझे दिए कभी 2000 कभी 1000 ये सब भूल गया तू? अरे यू ही फर्ज निभाया था अपनी बहन का। लाला जी अगर अब भी तुमसे सही फैसला नहीं हुआ तो अपनी लड़की की बर्बादी के तुम खुद जिम्मेदार होगे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लड़की इस घर से ज्यादा इस घर में खुश रहेगी तो इससे तो ब्याह करने से अच्छा तुम इसे कहीं खाई में धक्का दे दो। लाला जी मैं तो फिर भी यही कहूंगा कि डिंपल थारी छोरी है, तुम इसका अपनी मर्जी से ब्याह करो, पर एक बात का जरूर ध्यान रखो, तुम जैसा इसे मान रहे हो ना यू ऐसा ना है। ओ किशन पैसे तो तूने मुझसे भी ऐंठ रखे है, तू तो गड़ा ही नीच है नीच। क्या हो गया जो मैं सही और गलत की पहचान न कर सका? मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। अब तो माफी और प्रायश्चित यही है लाला जी कि तुम इन दोनों का ब्याह कर दो खुशी खुशी। यही मेरा प्रायश्चित है हाथ खींच के। कहाँ चला कंस मामा, भात नहीं देवे के? दूंगा भात, भात देगा है कोई दिल्ला। आप सभी को इस नई खुशी के लिए बहुत शुभकामनाएं।